पड़ोसी के कुत्ते से परेशान होकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराने की आपने कई मामले सुने होंगे, लेकिन महाराष्ट्र के पुणे के शिवाजी नगर इलाके में एक 72 साल के बुजुर्ग ने पुलिस से एक तोते की शिकायत की है। बुजुर्ग का कहना है कि उनके घर के सामने वाले पड़ोसी ने घर में एक तोता पाल रखा है और वह जब भी घर के बाहर निकलते हैं तो उन्हें देखकर तोता सीटी बजाता है। इसकी वजह से उन्हें काफी तकलीफ होती है। बुजुर्ग ने तोते के मालिक के खिलाफ खड़की पुलिस स्टेशन में अब शिकायत दर्ज कराई है। दरअसल पुणे के शिवाजी नगर की महात्मा गांधी कॉलोनी में रहने वाले 72 साल के बुजुर्ग के घर के सामने एक व्यक्ति ने तोता पाल रखा है। बुजुर्ग का कहना है कि तोता हमेशा सीटियां बजाता रहता है, जिस कारण बुजुर्ग को परेशानी होती है। शिकायत करने वाले बुजुर्ग का आरोप है कि तोता उन्हें देखकर और भी ज्यादा सीटियां बजाता है। इस बात को लेकर बुजुर्ग ने तोते के मालिक से कहा कि तोते को कहीं और रखवा दो, लेकिन इस बात पर तोते का मालिक बुजुर्ग के साथ बहस करने लगा। इसके बाद बुजुर्ग ने इस मामले की शिकायत पुणे के खड़की पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई है। इस मामले की शिकायत मिलने के बाद खड़की पुलिस ने तोते के मालिक को थाने में बुलाया और उसे चेतावनी देकर कहा कि बुजुर्ग को भविष्य में किसी भी तरह की तकलीफ न हो, इसका ध्यान रखा जाए।